खंडवा जिले में मानधाता के पूर्व विधायक नारायण पटेल द्वारा कांग्रेस में अपने इस्तीफे के बाद भाजपा का दामन थाम लेने पर मानधाता विधायक क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति बनी हुई है। उसी के चलते कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों में उपचुनाव को लेकर भारी मंथन चल रहा है। इसी के चलते भाजपा जिला मंत्री और पूर्व पार्षद अनिता श्रीवास्तव द्वारा महिला मोर्चा की बैठक ली गई। साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर महिलाओं को आगे की रणनीति समझाकर संगठन द्वारा दिए गए प्रभार का निर्वहन किया जा रहा है। वहीं पूरे नगर में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान व गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान के तहत महिलाओं को मास्क का वितरण कर स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। और इस मौके पर नगर परिषद के कर्मचारी माखन कानूनगो, अश्विन दलाल व दीपक पराशर द्वारा विभिन्न वार्डों में जाकर जरूरतमंदों को मास्क वितरण किए जा रहे हैं और स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई जा रही है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। मोदी को साफ एवं स्वच्छ बनाने में अपना आसपास साफ सफाई रखे, डस्टबिन का उपयोग करें, धन्यवाद। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छता अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया, तो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मोदी के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखना, दुकानों पर डस्टबिन रखना, गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग रखना सहित स्वच्छता जागरूकता की गतिविधियां की जाएगी। समस्त नगर वासियों से निवेदन है कि मोदी को साफ सफाई रखे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत दिनांक 16 अगस्त से 30 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत मोदी नगर परिषद द्वारा गंदगी मोदी छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता की समस्त नगर वासियों ने मोदी नगर परिषद द्वारा गंदगी मोदी छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। भारत का सपना देखा था, महात्मा गांधी ने गुलामी की हिंदियों को छोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को शुरू करके भारत माता की सेवा करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।